जय माता दी, जय सनातन धर्म। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि के बारे में बताऊंगी और क्या क्या सामग्री नवरात्रि में यूज होती है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, कपूर, अगरबत्ती, रुई और सुपारी, तुलसी जी, लौंग, आम का पोलो, प्रसाद फूल, घी, जौ, रुई, अबरक, कलावा, इत्र, शहद, गुड़, तूब, आम का पोलो, फूल, माला, पान, फल, गंगा जल, पंचामृत, मिट्टी, मिट्टी का पात्र और जौ। जौ जौ के साथ सात प्रकार के अन्न हैं, माता की प्रतिमा, कपड़ा और चौकी, माता की चुन्नी, नारियल, माला, माता का श्रृंगार, मिट्टी का कलश। इन सब चीज़ों के बिना माता की पूजा नहीं हो सकती है।